हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। और बैंगन के भरते बनाने के लिए आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें। बैंगन में हम चीरा लगा लेंगे इस तरह से दोनों साइड से, और बैंगन को अच्छे से देख लेंगे कहीं बैंगन हमारा ख़राब ना हो। बैंगन हमारा अच्छा है, एकदम फ्रेश और ताज़ा। इसमें हम लहसुन की कलियाँ रख देंगे ताकि बैंगन में हमारा लहसुन का फ्लेवर अच्छा आए। एक साइड मिर्च भी रख देंगे। इसे हम सारे बैंगन में चीरा लगा लेंगे और अच्छे से देख के देख लेंगे कि बैंगन हमारा कहीं खराब तो नहीं है। गैस को ऑन कर लेंगे और हम बैंगन भूनने वाली छन्नी रख लेंगे इस पे, और बैंगन को इस तरह से रख के अच्छे से भून लेंगे। इसी तरह से बैंगन को हम अच्छे से भून लेंगे चारों तरफ से, ताकि बैंगन हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड, बैंगन हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। करो, बैंगन हमारे ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनका छिलका निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ये बैंगन हमारे इस तरह से अच्छे से छिलका इसका उतर रहा है। देखो, इसी प्रकार से हम सारे बैंगन का छिलका निकाल लेंगे। बैंगन हमने अच्छे से छील लिए हैं, और छीलने के बाद इन्हें इनके डंठल से अलग कर लेंगे इस प्रकार से। और इसे मैं मैश नहीं करूंगी, बल्कि इसे सिलबट्टे पे पीस के लूंगी। भरते का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये लिया मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और हम इसे सिलबट्टे पे पीस के लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलबट्टे पे ही पीस के लेते हैं। इससे हमारा बैंगन के भरते में अच्छा फ्लेवर आएगा। ये लिया मैंने चार लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे। ये लिया मैंने एक प्याज, इसे भी मैं सिलबट्टे पे ही पीस लूंगी। एक चम्मच मिर्च लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, और पीस लेंगे। इसी मसाले के साथ हम अपने बैंगन को पीस लेंगे, ताकि बैंगन हमारा अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए, और हमारा फ्लेवर इससे बैंगन में के भरते में बहुत अच्छा आएगा। बैंगन हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारा रेडी हो गया है छोंकने के लिए। एक पैन ले लिया है हमने, पैन में हम डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल, और सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, Thank you.
के लिए है। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के लिया है, 2 टमाटर का, और अच्छे से चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, इसमें हम डालेंगे बैंगन जो हमने भून के लिया था और सिलबट्टे पे पीस के लिया था। अच्छे से चला देंगे, चलाते रहेंगे अच्छे से। इस पर हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से चला लेंगे। चलाते हुए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं, और पानी डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बैंगन का भरता हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इस पर डालेंगे धनिया पत्ता। बैंगन का भरता रेडी हो चुका है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकाल के सर्व कर लेंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक बार अपने घर पे बना के ट्राई भी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कैसा बना है। थैंक यू।